स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी आई क्यू मेरा नाम नानकी बवेजा है स्टूडेंट्स स्टूडेंट कंटिन्यूंग सीरीज जहां पे हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं कहां से हमारी जो इंडियन इकोनॉमी की किताब है ये वाली स्टडी आई क्यू द्वारा पब्लिश करी गई वहां हमने चैप्टर वन टू और थ्री में से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसको कवर किया है यहाँ पे वीडियो में ठीक है ना आज से हम चैप्टर फोर स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फोर में हम पढ़ेंगे मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है उसके टूल्स क्या होते हैं उसको डिटेल में कवर करने वाले हैं सो लेट अस स्टार्ट टाटा क्लास एज टू व्हाट मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली टॉक्स अबाउट तो जब मॉनेटरी पॉलिसी आप शब्द सुनते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है कैसी होती है उसके बाद उसके ऊपर हम बाद में जाएंगे सबसे पहले तो सबसे पहले हमें वर्ड पॉलिसी पर फोकस करना है तो स्टूडेंट्स जब भी कोई पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आती है तो पॉलिसी के द्वारा वो क्या चेंज करना चाहती है पॉलिसी सो लेट अस सी कि जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आती है पॉलिसी का एजेंडा क्या होता है कोई भी चीज को चेंज करना ठीक है ना तो अब जब नेम है मॉनेटरी पॉलिसी सो आपको क्या लगता है कि इस पॉलिसी के द्वारा क्या चेंज किया जाना चाहिए या क्या चेंज हो रहा है इट इज दी इट इज दी सप्लाई ऑफ मनी इन दी इकोनमी तो चीज़ों को जितना ब्रेक करके पढ़ोगे समझोगे उतना आपके लिए इजी हो जाएगा सो एज़ टू वॉट मॉनिटरी पॉलिसी इज ऑल अबाउट एक ही ऐसी पॉलिसी होती है जो चेंज करना चाहती है किस चीज़ को चेंज करना चाहती है किस चीज़ को चेंज करती है रेगुलेट करती है इट रेगुलेट्स दी सप्लाई ऑफ मनी इन दी इकॉनमी भाई अगर मनी बहुत ज़्यादा है तो उससे क्या होता है इन्फ्लेशन हो जाता है ठीक है ना मनी ज़्यादा है तो उसको निकालना है और अगर मनी कम है इकोनॉमी में तो मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करते हुए जो सेंट्रल बैंक है इकॉनमी में लिक्विडिटी मतलब मनी इंजेक्ट कर देती है कुछ भी डिफ़िकल्ट लगा है इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था अभी तक बहुत ही जेनरिक बात कर रहे थे हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है इट इज़ अ सेट ऑफ़ टूल्स दैट अ नेशन सेंट्रल बैंक कौन यूज करता है ये किसकी पॉलिसी होती है क्या ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है या सेंट्रल बैंक की क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं और बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती कि गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्या कहते हैं और सेंट्रल बैंक की पॉलिसी तो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट की पॉलिसी जो होती है उसको बोला जाता है फिजिकल पॉलिसी किसी भी देश में दो टाइप की पॉलिसी होती है एक फिजिकल पॉलिसी एक गवर्नमेंट एक मॉनिटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी किसको परटेन करती है इट परटेन्स टू दी गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री वेराज सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री की जो पॉलिसी होती है दैट इज वॉट इज कॉल्ड एज मॉनिटरी पॉलिसी सो इट इज अ टूल दैट नेशन सेंट्रल बैंक यूज टू प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ बाय कंट्रोलिंग द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ मनी तो इसके थ्रू एक्चुअली सेंट्रल बैंक क्या करने की कोशिश कर रहा होता है सेंट्रल बैंक इसके थ्रू कोशिश करता है टू रेगुलेट दी सप्लाई ऑफ मनी मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है एज वेल एज साथ में दे इंश्योर दैट कि ग्रोथ इज़ ऑल्सो नॉट गेटिंग हैम्पर्ड ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल है ठीक है ना अब आपको एक क्वेश्चन जो दिमाग में आना चाहिए कि जो है मॉनेटरी पॉलिसी होती है ये कोई कन्वेंशन के थ्रू बन रही है या कोई एक्ट है जिसके अंदर प्रिस्क्राइबड है क्योंकि क्वेश्चन यूपीएससी यहीं से उठाता है प्रब्लम्स में क्वेश्चन आता ही आता है कहीं ना कहीं घुमा के आर पे टूल्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी पे वर्किंग ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स पे ये तीन चार ऐसे एरियाज हैं जहां से हर साल दो या तीन क्वेश्चन आते ही आते हैं दिस इज समथिंग विच इज़ अ वेरी रेपिटेटिव थीम मैन वी टॉक अबाउट दी प्रब्लम्स तो आपको पता होना चाहिए कि जो मॉनिटरी पॉलिसी है ये कहाँ परिसब्ड है इट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर दर बी आई एक्ट ऑफ नाइनटीन थर्टी फोर दो एक्ट होते हैं एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है नाइनटीन फोर्टी नाइन का नहीं वहाँ पे नहीं मैंशनड है मॉनिटरी पॉलिसी का जिक्र कहाँ किया गया है इट इज मैंशन अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट विच एम्पावर्स आर बी आई विच एम्पावर्स आर बी आई आर बी आई एक्ट में किसको पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बल्कि सेंट्रल बैंक विच इज आर बी आई ऑफ द कंट्री टू फॉर्मुलेट दी मॉनेटरी पॉलिसी ना नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट इज टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी भाई क्या टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी होती है फर्स्ट एक्सपेंशनरी दूसरी कॉन्ट्रैक्शनरी आपको एक्सपेंशन नरी नाम से समझ आ रहा होगा कि एक्सपेंशन सो अंडर दिस मॉनेटरी पॉलिसी व्हाट द सेंट्रल बैंक ट्राइज टू डू इज वो कोशिश करते हैं कि मनी सप्लाई को एक्सपैंड कर सके इकॉनमी में एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी में सेंट्रल बैंक का एजेंडा या एम होता है कि जो लिक्विडिटी है इकोनॉमी में उसको समेट लेना उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेना उसको सकआउट कर लेना इकोनॉमी में से अब ये क्या होता है कैसे होता है इसके बारे में हम बात करेंगे बट अभी आपको सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए भैया दो टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी होती है एक जिससे हम मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं एक जिससे हम मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं और दूसरा जिससे हम मनी सप्लाई को घटाते हैं ठीक है चलो ओके okay. अब एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया अब ये पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या हमने पॉलिसी तो समझ लिया था क्या होता है पॉलिसी का जब भी कोई पॉलिसी आती है तो उसका मकसद होता है चेंज लाना और मॉनेटरी पॉलिसी किस चीज़ को चेंज कर रही है किस पे इफेक्ट डाल रही है मनी सप्लाई के ऊपर ठीक है तो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड एक फ्रेमवर्क डिफाइन किया था हमारी गवर्नमेंट ने तो ये जो एग्रीमेंट हुआ था मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क ये एक एग्रीमेंट है किन दो पार्टीज एग्रीमेंट के लिए दो पार्टीज़ का होना जरूरी है मिनिमम भैया आप खुद से थोड़ी एग्रीमेंट करते हो हमेशा एग्रीमेंट किसी ना किसी दूसरी पार्टी से करा जाता है या दो या उससे ज्यादा पार्टी से तो ये जो एग्रीमेंट हुआ था मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क का ये भी दो पार्टीज के बीच में हुआ था और वो कौन सी दो पार्टीज थी फर्स्ट पार्टी इज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द अदर पार्टी इज द सेंट्रल बैंक तो ये एग्रीमेंट हुआ था सेंट्रल बैंक एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है हमारी उसके बीच में और क्या कहता है ये एग्रीमेंट इसमें डिफाइन करी गई थी आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन किया गया था कि भाई इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन दी कंट्री क्या मेंशन किया गया है? इट इज दर बी आईज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी तो प्राइस स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन होती है जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में होता है तो वहां पे क्या वर्ड में आर बी आई प्रेरोगेटिव या आरबीआई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द प्राइज स्टेबिलिटी अलॉन्ग विध मेंटेन ग्रोथ ऐसा ना हो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इन्फ्लेशन कंट्रोल करते करते हमारी जो ग्रोथ है कंट्री की जो ग्रोथ रेट है वो हैम्पर हो जाए नहीं आरबीआई का पेरोगेटिव डिसाइड किया गया आरबीआई का फ्रेमवर्क के अंडर वर्क डिसाइड किया गया कि भैया आपको इन्फ्लेशन तो मतलब प्राइस को तो स्टेबल रखना ही है कहीं ऐसा ना हो प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाए चीज़ों के किसके प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज के ठीक है ना और ऐसा भी ना हो कि अचानक से बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट कर जाए अलॉन्ग विद दैट दे हैव टू मेन्टेन दी एम्पल लेवल ऑफ ग्रोथ इन दी कंट्री ठीक है अब इसके लिए टू डू ऑल दिस टू मेनटेन दी प्राइस स्टेबिलिटी एंड टू मेन्टेन दी ग्रोथ इन दी कंट्री आर बी आई क्या यूज़ करती है आर बी आई कुछ सेट ऑफ़ टूल्स यूज़ करती है घबराना नहीं है इस चीज़ से कि मैम टूल्स टेक्निक्स ये सब क्या है एक एक करके पढ़ेंगे बहुत ईजी तरीके से चीज़ों को ब्रेक करके पढ़ेंगे ठीक है ना तो आर बी आई का क्या रोल था आर बी आई का ये दोनों चीज़ें मैनेज करने का रोल था अब मैनेज करने के लिए आर बी आई को कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे अगर आपको वर्ड टूल यूज़ नहीं करना तो हम ऐसे समझ लेते हैं कि भाई आर बी आई को अगर ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है तो आर बी आई को कुछ सेट ऑफ़ एक्शन लेने पड़ेंगे और उन्हीं एक्शंस को बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी ठीक है ना मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ एक्शंस कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको आर यूज़ करती है टू कंट्रोल दी प्राइस स्टेबिलिटी एज वेल एज मेंटेन ग्रोथ ना उनको अगर देखो सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्शंस बिच आर कैन टेक और देर आर टू टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एक होता है क्वालिटेटिव टूल्स और एक सॉरी एक होता है क्वान्टिटेटिव टूल्स एंड दूसरा होता है क्वालिटेटिव टूल्स आज के वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वालिटेटिव टूल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के हमारा जो एजेंडा है आज का एजेंडा है कि हमें क्वांटिटेटिव टूल्स जो है मॉनेटरी पॉलिसी के उसको पढ़ना है तो चलिए स्टार्ट करते है कि हैं कि ऐसे क्या एक्शंस हैं जिन्हें क्वांटिटेटिव टूल्स बोला जाता है सो एज़ यू कैन डिफाइन और एज़ यू कैन रीड फ्रॉम दी नेम ठीक है ना क्वांटिटेटिव मतलब विच समथिंग विच कैन बी क्वांटिफाइड दूसरा क्या था क्वालिटेटिव इसका फोकस क्या है मोर ऑन द क्वालिटी ऑफ द मनी सप्लाई वेयर एज क्वांटिटेटिव टूल्स का क्या मकसद है या क्या एजेंडा है इट इट फोकसेज ऑन इट फोकसेज ऑन द क्वांटिटी ऑफ द मनी सप्लाइड इन द कंट्री तो आर ये सर्टेन सेट ऑफ़ टूल्स सर्टेन सेट ऑफ एक्शंस यूज करती है टू रेगुलेट द मनी सप्लाई क्वांटिटी कितना मनी कितना अमाउंट ऑफ सौ करोड़ है मार्केट में कि दो करोड़ है या दो ट्रिलियन है क्वांटिटी में जब हमें डिफाइन करना होता है तो हम ये सेट ऑफ

अंडरस्टैंड ये एक ऐसी फैसिलिटी है वेयर द लिक्विडिटी कुड बी एडजस्टेड किसकी लिक्विडिटी एडजस्ट करने की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे हम यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स हम यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स की लिक्विडिटी को एडजस्ट कर रहे हैं किसकी लिक्विडिटी को वी आर एडजस्टिंग द लिक्विडिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स ठीक है अब या तो दो केस होंगे या तो लिक्विडिटी ज़्यादा होगी या तो लिक्विडिटी ज़्यादा है या लिक्विडिटी कम है ठीक है ना और अगर ज़्यादा है तब भी हमें क्या यूज़ करना है वी आर यूजिंग दी फैसिलिटी ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और कम है तो भी हम यूज़ कर रहे हैं कौन हम कमर्शियल बैंक्स को ये फैसिलिटी एक्सटेंड करी जाती है सेंट्रल बैंक द्वारा कि वो अपनी लिक्विडिटी को एडजस्ट कर सके ठीक है ना चलिए तो इसमें फर्स्ट फर्स्ट टूल इज़ रेपो रेट अब रेपो रेट क्या होता है अगर आप उसकी डेफिनेशन जानना चाहते हैं रेपो रेट की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ एन इंटरेस्ट रेट इट इज़ एन इंटरेस्ट रेट एट विच आर बी आई प्रोवाइड्स लोन्स टू दी कमर्शियल बैंक्स भैया अगर कमर्शियल बैंक सबसे पहला हम सिचुएशन क्या ले रहे थे हम सिचुएशन ले रहे थे कि हमारे पास लिक्विडिटी जो है वो कम है मतलब कम है मतलब हमें पैसों की ज़रूरत है कमर्शियल बैंक को तो जब अगर कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम है तो मतलब उसको मनी बोरो करना पड़ेगा उसको लोन लेना पड़ेगा तो लोन लेने के लिए वो जाएगी आर के पास और आर से वो लोन लेगी कौन से रेट पे? वो लोन लेगी रेपो रेट पे मतलब आर अगर कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है तो उसके ऊपर अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो दैट रेट इज नोन एज रेपो रेट ठीक है ना लिक्विडिटी एडजस्ट कर रहे हैं ना हम कम है लिक्विडिटी पैसा चाहिए आरबीआई के पास गया आरबीआई ने बोला ये लो लोन ले लो मुझसे किस रेट पे रेपो रेट सो so, रेपो रेट इज वॉट रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट इट इज़ द इंटरेस्ट रेट मैंशंट है कहीं से नहीं बस पेज नंबर फिफ्टी से पढ़ रही हूँ रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट ऐट विच आर बी आई प्रोवाइड्स ओवर नाइट लिक्विडिटी टू दी बैंक्स अगेंस्ट दी कोलेट्रल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आप कहोगे मैम ये क्या बोल गए आप इतना सारा आप क्या बोल गए ये इतना सारा कोई बात नहीं अभी समझ लेते हैं चलो तो स्टूडेंट्स एक बात आपको पता होगी जब भी हमें लोन लेना होता है लोन लेना होता है तो हमें कोई चीज़ गिरवी रखवानी पड़ती है एज अ को लेटरल एज अ सिक्योरिटी सेम थिंग अप्लाइज टू द कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो जब कमर्शियल बैंक्स फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एच डी एफ सी का एग्जाम्पल लिया है तो जब एच डी एफ सी को मनी चाहिए किससे आर बी आई से तो उसको कुछ तो गिरवी रखवाना पड़ेगा ठीक है ना तो एच डी एफ सी क्या गिरवी रखवाएगा तो आर बी आई ने कुछ चीज़ें डिफाइन कर, करी हुई हैं कि आप ये पर्टिकुलर सेट ऑफ चीज़ें ही मेरे पास गिरवी रखवा सकते हो और उसमें से एक चीज़ क्या होती है दैट इज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिसको जी सेक्स भी बोला जाता है ठीक है ना अभी आप बस ये याद रख लीजिए कि जी सेक्स होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ये क्या होती है जब हम फिजिकल पॉलिसी पढ़ेंगे वहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी बस आप ये समझ लीजिए कि जब कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए वो आर के पास क्या लेके जाएगी आर के पास लेके जाएगी सिक्योरिटीज ये लो इसको अपने पास गिरवी रख लो और आर बी इन रिटर्न क्या रिलीज कर देगी एच के अकाउंट में आर रिलीज़ कर देगी मनी क्योंकि एच डी एफ सी को मनी तो चाहिए था तभी तो वो आर बी आई के पास अपनी चीज लेके गई थी कि ये लो इसको गिरवी रख लो और मुझे रिटर्न में मनी दे दो ठीक है ना अब आर बी आई अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है सो वॉट इज दैट इंटरेस्ट रेट दैट इज वॉट इज कॉल्ड एज रेपो रेट चलो ठीक है अब एच डी एफ सी ने जिस पर्पज के लिए लोन लिया था नाउ दैट स्टैंड फुलफिल्ड वो हो गया पर्पज पूरा अब क्या होगा एच डी एफ सी पैसे लेके पैसे जब हमने बोरो किए तो हमें लौटाने भी तो पड़ेंगे ना तो एच डी एफ सी वो पैसे लेके वापस आर बी आई के पास गई और आर बी आई वहाँ से वापस क्या लौटा देगी उनको उनकी सिक्योरिटीज़ जो उन्होंने वहाँ पे गिरवी रखवाई थी आ आविक्लीअ विद डैट चलो ठीक है तो ये तो हो गई इसकी फंक्शनिंग अब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है देखो एच डी एफ सी सिक्योरिटीज़ लेके गई थी यहाँ पे किसके पास आर बी आई के पास तो मान लीजिए एक सिक्योरिटी की कीमत है सौ रुपए और वो एक ही सिक्योरिटी डिपॉजिट कराने को लेके गई थी ठीक है ना ये सौ रुपए की सिक्योरिटी आरबीआई के पास रखवा दी तो क्या आरबीआई जो मनी रिलीज करेगा एच बैंक को वो सौ के सौ रुपए दे देगा या उसमें से कुछ अपना मार्जिन रख के एच को रिलीज करेगा ऑब्वियसली आर को भी तो अपना ऑपरेशन uh, कंडक्ट करने उनको भी मनी चाहिए हाउ विल आर बी आई अर्न आर बी आई विल अर्न बाई दी वर्च्यू और बाई दी वे ऑफ रेट ऑफ़ इंटरेस्ट जो वो लोन दे रही है उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाएगी तभी तो आर भी अपना ऑफिस चला पाएगी तो आर कर क्या करेगी भाई अगर सौ रुपए की सिक्योरिटीज़ है सौ रुपए की सिक्योरिटी है तो आर बी आई नाइनटी सिक्स रुपीज ही लेंड करेगी एच को क्यों ये चार रुपये कहाँ गए ये चार रुपये इज वॉट इज द रेपो रेट रेपो रेट क्या था मैंने बताया था रेपो रेट इज द रेट एट विच आर बी आई लें टू दी कमर्शियल बैंक ठीक है ना अब जब एच डी एफ सी एच डी एफ सी का काम फुलफिल हो गया जिसके लिए मनी लिया था एच डी एफ सी गई वापस मनी लेके अब आपको क्या लगता है एच डी एफ सी कितने पैसे वापस लेके जाएगी नाइनटी सिक्स रुपीज़ रिटर्न करेगी हंड्रेड रुपीज़ रिटर्न करेगी वॉट डू यू थिंक सोच के देखिए जब हम बैंक के पास मनी वापस लौटाने जाते हैं तो आर एच के लिए तो यही बैंक है जहाँ से उसने पैसे लिए थे तो क्या एच डी एफ सी नाइन्टी लेके जाएगी या वो हंड्रेड रुपीज़ लेके जाएगी सिक्योरिटी की फेस वैल्यू कितनी थी सौ रुपये एच डी एफ सी को वहाँ से क्या लेके आना है वहाँ से क्या रिलीज़ करवानी है क्या छुड़वानी है अपनी सिक्योरिटीज़ और सिक्योरिटीज़ का प्राइस क्या था सौ रुपये था ठीक है तो एच डी एफ सी नाव विल टेक हंड्रेड रुपीज़ एंड गो टू आर बी आई की मेरी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो रिलीज़ कर दो एंड आर बी आई विल ट्रांसफर सिक्योरिटीज़ अगेन बैक टू दी एच डी एफ सीज अकाउंट दैट इज़ हाउ इट फंक्शन लेकिन आपसे कोई न्यूमेरिकल ये पैसे का लेन देन की कितना पैसा था और कितना नहीं था ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका कहाँ पर प्रिलिम्स में प्रिलिम्स में जो क्वेश्चन बनते हैं किस टाइप के बनते हैं फर्स्ट वो वॉट इज रेपोरेट ठीक है ना रेपो रेट क्या होता है आपको पता होना चाहिए क्वांटिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी होता है हु आर अलाउड हु आर अलाउड टू बोरो हु आर अलाउड टू बोरो अंडर दिस रेपो रेट क्या सभी प्रकार के बैंक क्योंकि बैंक्स के भी प्रकार होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं पेमेंट बैंक होता है फॉरेन बैंक्स होते हैं रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं क्या सभी बैंक्स को अलाउड है टू बोरो अंडर दी रेपो रेट या सिर्फ कमर्शियल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को अलाउड है तो आपको ये पता होना चाहिए ठीक है ना उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए वॉट आर दी एलिजिबल सिक्योरिटीज़ वॉट आर दी एलिजिबल सिक्योरिटीज़ विच कैन बी गिवन एज को लेटरल क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे कि यहाँ पे आर एच डी एफ सी को सिक्योरिटीज़ लेंड करनी होंगी तो क्या कोई सी भी सिक्योरिटी चल जाएगी क्या किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा इशू करी हुई सिक्योरिटी भी, भी चल जाएगी या सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज चलेगी तो ये एरियाज होते हैं ये वो एरियाज होते हैं ये वो एरियाज होते हैं जहाँ पे आपको ध्यान देना और यहीं से प्रिलम्स का क्वेश्चन बनता है ठीक है ना स्टूडेंट्स चलिए सो वी हैव टॉक्ड अबाउट रेपो रेट तो रेपो रेट क्या होता है रेपो रेट तब यूज़ किया जाता है जब आर जब कमर्शियल बैंक के पास लिक्विडिटी नहीं है उसके पास पैसा नहीं है उसको लोन चाहिए अब दूसरी सिचुएशन दूसरी सिचुएशन भाई कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है वो यूज़ नहीं आ रहा है मतलब लिक्विडिटी ज़्यादा है तो इस केस में कमर्शियल बैंक क्या करेगी कमर्शियल बैंक जाके पैसा डिपॉजिट करा देगी आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक के पास पैसे ज़्यादा थे कमर्शियल बैंक के वो यूज़ नहीं हो पा रहा था वो फ़ंड सो व्हाट विल कमर्शियल बैंक डू कमर्शियल बैंक विल गो टू आरबीआई कमर्शियल बैंक विल गो टू आरबीआई एंड डिपॉजिट दी मनी ठीक है अब उसके बदले में जब इस टाइम कमर्शियल बैंक आएगा कि जब मुझे आपसे पैसे चाहिए थे तो मैंने आपके पास अपनी सिक्योरिटीज़ गिरवी रखवाई थी अब मैं आपके पास पैसे डिपॉजिट करा के जा रहा हूँ तो मुझे भी तो कुछ रिटर्न में कोलेटरल चाहिए होगा राइट right? तो आरबीआई रिटर्न में क्या देगा आरबीआई रिटर्न में सिक्योरिटीज़ डिपॉजिट कराएगा किसके पास कमर्शियल बैंक के पास ठीक है एंड द रेट क्योंकि अब हमने कुछ पैसे डिपॉजिट हमने जब हम अप, अपना सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में हमें उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है रिटर्न मिलता है ठीक है सेम वे जब जब कमर्शियल बैंक मनी डिपॉजिट करा रहा है आरबीआई के पास उसको भी तो कुछ रिटर्न मिलना चाहिए तो जो रिटर्न मिलेगा दैट इज वॉट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट आई होप इट मेक सेंस टू यू आई होप इट इज क्लियर टू यू जब हमें पैसे चाहिए थे तो हमने किस रेट पे लोन लिया था रेपो रेट पे जब कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसे हैं तो वो जाके डिपॉजिट करा रहे हैं और उस पर जो रिटर्न अर्न कर रहे हैं दैट इज़ वाट इज़ रिवर्स रेपो रेट आर वी क्लियर विद दिस अभी किस तरीके से आर बी आई इनको यूज़ करता है अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम तो उन एक्शंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो क्वांटिटेटिव टूल्स के अंडर आते हैं तो फर्स्ट था लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आइए चलिए नेक्स्ट पे चलें दूसरा इज़ बैंक रेट नाउ व्हाट इज़ बैंक रेट बैंक रेट की अगर डेफिनेशन पढ़ें रेट ऐटविच रेट ऐटविच अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना बीच में अभी से ही खलबली अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है लेकिन क्लास पे ध्यान नहीं देंगे अभी उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैम किस तरीके से आपसे पूछे कि मैम इसकी पीडीएफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी जो आज क्लास हुई है उसकी पीडीएफ डेफिनेटली आपको मिलेगी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी पीडीएफ मिलेगी आपको इकोनॉमिक्स पर दान की थी यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी बुक खरीदना चाहते हैं क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी तो करने हैं ना हमें साथ साथ प्रबिल्स के क्वेश्चन आए तो अगर हम इसमें उठा के देखें आई किताब देखते किताब में एंड में अगर आप देखोगे ये चैप्टर फोर है इसका एंड जहाँ हो रहा है यहाँ पे एक मेंस का क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आया हुआ है और प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसमें दिए हुए हैं पेज नंबर की अगर बात करें तो पेज नंबर ये हमारा हुआ सिक्सटी टू ठीक है किताब खरीदना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको जरिया बता देती हूँ किताब आप ख़रीद सकते हैं अमेजोन से ठीक है अमेजोन या फ्लिपकार्ट आजकल हम सब यूज़ करते हैं चार सौ पच्चीस रुपये की किताब ऑल्सो स्टूडेंट्स ऑल्सो वन मेजर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट विच आई हैव टू मेक इज कि स्टडी आई क्यू इज़ कमिंग अप विद द लाइफ फाउंडेशन बैच जहाँ आप अपने डाउट्स अपनी फैकल्टीज से लाइव पूछ सकते हैं क्योंकि सबके लिए ओल्ड राजेंद्र नगर जाके पढ़ना आना अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है सो स्टडी आई क्यों आपको घर बैठे अफोर्डेबल एजुकेशन दे रहे किस फॉर्म में लाइव क्लासेस के फॉर्म में जहाँ पे आप अपनी फैकल्टीज मान लीजिए जैसे मैं इकॉनमी इकॉनमी विल बी टेकन अप बाय मी तो जब मैं इकॉनॉमी पढ़ा रही हूँगी आपके मन में कोई सा भी डाउट है आप मुझसे वहाँ पर लाइव उसी वक्त उसी टाइम पूछ सकते हो नॉट वाया चैट चैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन चैट के साथ साथ आप वहाँ पे लाइव uh, मतलब आपको फैसिलिटी दी जाएगी बोलने की बिटवीन दी क्लास और आप, आप पूछ सकते हैं मुझसे थ्रू आउट माई सेशन तो 900 हंड्रेड आवर्स ऑफ लाइव क्लासेज होंगी ऐसा नहीं है कि कुछ क्लासेज आपको लाइव दी जाएंगी और कुछ रिकॉर्डेड नहीं एंटायर सिलेबस जो यूपीएससी प्रिलम्स और मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट है रेंजिंग फ्रॉम हिस्ट्री पॉलिटिक जोग्राफी इकोनमी सी सैट एस राइटिंग एथिक्स एवरीथिंग विल बी टॉट एवरीथिंग विल बी टॉट ओवर द लाइव क्लासेस साथ ही साथ अगर हम कोर्स की बात करें तो मेंटरशिप मेंटरशिप का रोल क्या होता है स्टूडेंट्स बहुत सारे आप में से कंफ्यूज रहते हैं थ्रूआउट दी जर्नी कि मैम ऑप्शनल कैसे चूज करें ऑप्शनल ले लिया है तो उसको प्रोसीड कैसे करें स्टैटिक को हम करंट से कैसे लिंक करें तो बहुत बार आप फैकल्टीज से पूछते भी हो लेकिन स्टिल सम डाउट्स रिमेन एड्रेस तो मेंटरशिप प्रीलिम टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है वीकली रिविजन टेस्ट जो हम आपको पढ़ाएंगे साथ साथ उसका रिविजन कैसे करवाएंगे थ्रू वीकली रिविजन टेस्ट ज्ञानवानी सेशंस सेशन में आपको जो ऑलरेडी uh, सर्विसेज में है हमारे ऑफिसर्स उनके साथ आपके सेशन होंगे एंड ऑल ऑफ दिस All of this, if you talk about, is just for 18,999. मुझे लगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉमेशन है और मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए तभी क्लास के बीच में आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ कि जो ये सारी चीज़ें हैं साथ साथ आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे ये नहीं कि पी डी एस हैंड रिटन क्लास नोट्स जो क्लास में चल रहा है उसको हैंड रिटन फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा ये फीस आपको तभी पे करनी होगी जब आप यूज़ करेंगे कोड नान की लाइफ इकोनमी अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं देन यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द लाइव फाउंडेशन बैच जहां आप अपने डाउट पूछ सकते हैं फीस की बात करें एटीन 18,999 बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि मैम क्या हम इंस्टॉलमेंट में फ़ीस पे कर सकते हैं सर्टेनली जब आप आपको क्या करना होगा आपको जाना होगा आपको जाना होगा यूपी आपको जाना होगा स्टडी आई की ऑफिशियल वेबसाइट पे स्टडी आई क्यू लाइफ फाउंडेशन कोर्स जैसे ही आप टाइप करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आप इस तरीके से क्लिक करेंगे तो क्लिक करेंगे तो आपके सामने कोर्स आ जाएगा यहाँ पे बाय नाउ और यहाँ पे आप जब अपना फ़ोन नंबर डालेंगे तो फ़ोन नंबर डालेंगे तो ये चीज़ पूरी खुल जाएगी यू कैन बाय द कोर्स एंड वहाँ पे जब आप कूपन कोड डालेंगे नानकी लाइव तो आपकी जो फीस है आपकी फ़ीस है वो हो जाएगी स्लैश एंड यू जस्ट हैव टू पे एटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन चलिए अब अपनी क्लास पे वापस चलते हैं आपको मैंने बुक के बारे में बता दिया कि आपको बुक कहाँ से खरीदनी है किस तरीके से खरीद सकते हो पीडीएफ बता दिया बुक का आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा मेरे ग्रुप पे इकोनॉमिक्स वैदान की पे वहाँ पर आपको आज की क्लास का पी मिलेगा ठीक है लाइफ फाउंडेशन बैच की बात कर चुके हैं चलते हैं अपने फटाफट से फटाफट से अपने क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी तो क्वांटिटेटिव टूल्स में हम नेक्स्ट टूल पढ़ने वाले थे बैंक रेट तो बैंक रेट क्या होता है रेट एट विच आर बी एल टू दी कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज आप कहोगे मैम रेपो रेट में भी तो यही हो रहा था अभी आपने रेपो रेट बताया जहाँ पे अगर कमर्शियल बैंक को नीड है पैसों की देन दे हैव हाँ टू गो टू आरबीआई और रेपो रेट पे वो लोन ले सकते हैं तो मैम फिर ये बैंक रेट क्या होता है स्टूडेंट्स एक बात एक बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी विद रिस्पेक्ट टू रेपो रेट इज कि यहाँ पे जो लोन दिया जाता है दैट इज फॉर ओवरनाइट पर्पस और वी कैन से इज फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस बट हो सकता है ना कोई बैंक को हो सकता है ना कोई बैंक को लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लोन चाहिए हो तो वो कौन से रेट पे लोन लेगी दैट इज़ वेयर बैंक रेट इज़ यूज जब कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए लोन चाहिए देन द लोन विल बी टेकन एट दी बैंक रेट यहाँ पे देर इज़ नो रीपरचेज ऑब्लीगेशन अंडर द बैंक रेट यहाँ पे क्या कर रहे थे हम सिक्योरिटीज़ का लेन देन कर रहे थे सिक्योरिटीज़ पहले लेके जा रहे थे डिपॉजिट करा रहे थे उसके बाद जब काम फुलफिल हो रहा था फिर से यहाँ से सिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र हो रही थी बट इन केस ऑफ बैंक रेट बैंक रेट यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटीज का लेना देना या किसी भी कोलेटरल का लेना देना नहीं होता बैंक रेट्स इन्फ्लुएंस दी लेंडिंग रेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक अभी इस पॉइंट पे ध्यान नहीं देना जब मैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन पढ़ाऊँगी तब इसके बारे में ध्यान देना है अब हम फटाफट से क्या देख लेते हैं कि क्या सिमिलैरिटीज है बिटवीन दी बैंक रेट एंड द रेपो रेट एंड क्या डिसिमिलैरिटीज मतलब क्या डिफरेंसेस हैं नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दी रेपो रेट तो आरबीआई हु डिटरमाइंस हुइंस द रेपो रेट इट इज दी आरबीआई और बैंक रेट के केस में भी इट इज डिटरमाइंड बाय आरबीआई ये सारी चीजें टैबुलर फॉर्मेट में आपकी बुक में बनी हुई हैं दो स्टूडेंट्स जिनके पास ऑलरेडी बुक है आई वुड रियली रिक्वेस्ट की इन चीज़ों को आप अपने सामने जब मैं क्लास ले रही होती हूँ तो आप इसको खोल के रखा करो ठीक है ना क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि वी डिस्कस सर्टन एडिशनल थिंग्स तो जो बुक में नहीं है तो आप उसको फटाफट वहीं पर बुक में मैंशन कर लो सो वट वी आर टॉकिंग बुक में क्या दिया हुआ डिफ्रेंसेज दिए हुए Dif हैं बुक में सिमिलैरिटीज़ नहीं दी हुई है सो वट आई वुड रिक्वेस्ट यू इज़ कि आप बुक में नोट कर लो एज़ टू वट आर दी सिमिलैरिटीज बिटवीन द रेपो रेट एंड द बैंक रेट तो सिमिलैरिटीज़ की बात करें देन बोथ ऑफ दी रेट्स आर डिमाइंड बाय आरबीआई आरबीआई डिसाइड करती है कि भाई क्या रेपो रेट होगा और क्या बैंक रेट होगा बैंक टेक्स लोन फ्रॉम दोनों किस लिए यूज़ किया जाता है इफ़ यू टॉक अबाउट द यूज और पर्पस लोन लेने के लिए कहाँ से आरबीआई से दोनों का काम दोनों का एजेंडा और दोनों का पर्पज़ क्या है इट हेल्प्स आर इन कंट्रोलिंग दी मनी सप्लाई इन दी कंट्री ये तो हो गई सिमिलैरिटीज बिटवीन रेपो रेट एंड द बैंक रेट नाउ वील टॉक अबाउट एज टू वट आर द डिफरेंसिस बिटवीन दैम सो बैंक्स पे टू रीपर्चेज दी सिक्योरिटी यहाँ पे क्या है सिक्योरिटीज़ का लेना देना हो रहा है लेकिन क्या मैंने बैंक रेट में सब समझाया था कि सिक्योरिटीज़ का लेना देना हो रहा है कोई सिक्योरिटीज़ का लेना देना नहीं है ओवरनाइट मतलब शॉर्ट टर्म फंड शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए जब पैसे चाहिए होते हैं दिस इज़ द रेट कौन सा रेपो रेट इज़ वॉट वी रेफर टू एंड जब हमें लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म भी कितना लॉन्ग टर्म मैक्सिमम ट्वेंटी एट डेज इस पर एक्चुअली मैं तीन स्टार बना देती हूँ आपको पता होना चाहिए वेन आई एम से लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए लोन लेना है तो विच इज द रेट इट इज़ द बैंक रेट बट लॉन्ग टर्म टेन और भी कितना लॉन्ग इट इज़ ट्वेंटी एट डेज और अप टू ट्वेंटी एट डेज ठीक है शॉर्ट टर्म नीड्स को एड्रेस करता है वेराज जो बैंक रेट है लॉन्ग टर्म नीड्स को एड्रेस करता है और अफेक्ट क्या होता है अगर आर बी आई रेपो रेट को बढ़ा घटा रही है क्योंकि आर बी आई डिसाइड कर रही है और आर बी आई जब बैंक रेट को घटा बढ़ा रही है तो उसका क्या इफेक्ट आता है कंट्री पे इट डज नॉट डायरेक्टलीफेक्ट द इंटरेस्ट रेट ऑफ चेंज करती है डायरेक्टली रेट एट विच कमर्शियल बैंक क्या स्टोरी है चलो देख लेते लोन दिया किस को आरबीआई ने लोन दिया कमर्शियल बैंक को कमर्शियल बैंक लोन देता है आप जैसे जैसे लोगों को जिसको रिटेल कस्टमर बोला जाता है तो आर सॉरी कमर्शियल बैंक ने लोन दिया सपोज ए बी और सी को ठीक है एट दी रेट सिक्स परसेंट ठीक है ना बट अब कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि जिस रो, रेट पे आर लोन दे रहा था कमर्शियल बैंक को वो लोन वो रेट हो गया इंक्रीज वो रेट हो गया इंक्रीज ना कमर्शियल बैंक को ही पैसे मिल रहे हैं सात परसेंट ब्याज पे तो आपको क्या लगता है कि कमर्शियल बैंक जब हमको लोन देगी तो वो छह परसेंट पे देगी नहीं देगी क्योंकि जब उसको पीछे सात परसेंट रेट देना पड़ रहा है तो मिनिमम एटलीस्ट टू परसेंट ऐसा कोई फिक्स नहीं है इट वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक बट डेफिनेटली कमर्शियल बैंक इस रेट से तो ऊपर रेट पे ही हम जैसे लोगों को लोन देगी तो यहाँ क्या हो जाएगा ये रेट भी बढ़ जाएगा तो पहले हमें छः परसेंट पर लोन मिलता था अब बिकॉज़ बैंक रेट इंक्रीज हो गया है बैंक रेट रेट जिसपे आर बी लोन दे रही थी कमर्शियल बैंक को वो इंक्रीज हो गया है तो ये जिस रेट पर कमर्शियल बैंक हमें लोन दे रही थी वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा तो ये इफ़ेक्ट होता है अगर इन रेट्स में चेंजेस आते हैं तो चलिए पीछे फिर से चलते हैं हम बार बार मैं जाऊंगी पीछे ताकि आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन फील हो एक सेंस ऑफ कंप्लीशन फील होगी हमारी किताब प्लस हमारा सिलेबस किताब होना है, हमारा सिलेबस कंप्लीट होना जरूरी है वही हमारा एजेंडा है क्लास का ठीक है तो हमारा बैंक रेट लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कंप्लीट हो गई है नाउ नेक्स्ट वॉट वी हैव टू फोकस ऑन इज कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैटरी लिक्विडिटी रेशियो तो चलिए कैश रिजर्व रेशियो जिसको सी आर आर भी बोला जाता है उस पर बात करेंगे उस पर फोकस करेंगे ना वट इज सी आर आर इट इज़ द मिनिमम अमाउंट इट इज़ द मिनिमम अमाउंट दैट द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप विथ आर बी आई इट इज़ दर्सेंटेज ऑफ कैश रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन रिजर्व अगेंस्ट बैंक टोटल डिपॉजिट नहीं समझ आया नहीं आया ठीक है कोई बात नहीं तो स्टूडेंट्स मान लीजिए एच डी एफ सी बैंक है एच डी एफ सी बैंक में बहुत सारे लोग जाके अपने मनी को डिपॉज़िट कराते हैं सेविंग अकाउंट खोलाते हैं फिक्स डिपॉजिट खोलते हैं और मनी डिपॉज़िट करा देते हैं तो क्या अब उसी पैसे को यूज़ करते हुए उसी पैसे को यूज़ करते हुए जो बैंक है वो देता है लोन ठीक है ना तो आप मान लीजिए कि अगर एच डी एफ सी बैंक के पास आए थे हज़ार रुपये टोटल हज़ार रुपये एज अ डिपॉजिट आए थे क्या वो हज़ार के हज़ार रुपये लोन की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है नहीं क्योंकि बीच में आ जाता है आर आर बोलता है कि पूरे हज़ार रुपये आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते इसमें से कुछ पोर्शन आपको मेरे पास आके डिपॉजिट कराना पड़ेगा जिसको बोला जाएगा कैश रिजर्व रेशियो और उसके बाद जो अमाउंट बचेगा आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो एज लोन तो मान लीजिए मान लीजिए आर ने बोला कि आउट ऑफ द टोटल डिपॉजिट दैट यू हैव रिसिव्ड उसका चार आप मेरे पास आके डिपॉजिट करा के जाओगे तो वो बोला जाएगा दिस फोर इज वॉट कैश रिजर्व रेशियो तो चार अगर हम हजार रुपए का काट दें अगर चार परसेंट हम हजार रुपए काफ सी कैन एक्सटेंड और क्रिएट लोन वर्थ रुपीज नाइन सिक्सटी ठीक है अब अगर अब कैसे ये काम कैसे कर रही है ये चीजें देखो चलो एच के पास हजार रुपए आए थे एच के पास हजार रुपये आए थे आर ने बोला चार परसेंट इसका मेरे पास डिपॉजिट करा जाना ठीक है तो इसमें से चार परसेंट घटा दो तो चालीस रुपये बचे नाइन सिक्सटी रुपीज विच कैन बी क्रिएटेड एज और डिस्ट्रीब्यूटेड एज लोन अब आर को क्या करना आर बी ये मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स यूज क्यों कर रहा था क्योंकि आर को लिक्विडिटी मैनेज करनी है अब आर को लगता है कि मनी बहुत ज़्यादा फ्लोट कर रहा है इकोनमी में हमें वो मनी क्या है निकालना है खींच लेना है सकआउट कर लेना है आर क्या करेगी इस रेट को बढ़ा देगी सी जो कैश रिजर्व रेशियो है वो बढ़ा देगी अब वो सर्कुलर भेजेगी एच को कि भाई जो सी था नाउ इट इज़ सेवन परसेंट ठीक है ना तो अब आपके पास जितने भी डिपॉजिट आएंगे उसका सात परसेंट आपको मेरे पास आके डिपॉजिट कराना है फिर आए एच के पास हज़ार तो अब कितने रुपए उसमें से उसमें से सत्तर रुपये एच डी एफ सी को डिपॉजिट कराने एज कैश रिजर्व रेशियो विद आर बी आई ठीक है ना बचा कितना एच डी एफ सी के पास अब बचे नौ सौ तीस अब ये नौ सौ तीस डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है एज अ लोन तो आप देखो क्या हो रहा है मनी सप्लाई इन द इकोनमी इज गेटिंग रिड्यूस पहले नाइन सिक्सटी रुपीज़ कुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज लोन इन द मार्केट नाउ इट इज जस्ट नाइन थर्टी रुपीज़ विच कुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज लोन्स इन द मार्केट आरबीआई ने क्या किया आरबीआई ने इस रेट से छेड़छाड़ करी अपने टूल से छेड़छाड़ करी और मनी सप्लाई को रेगुलेट कर दिया मनी सप्लाई को चेंज कर दिया मार्केट में दैट इज वॉट आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो इज वॉट इट इज अ रेशियो इट इज रिजर्व विच द कमर्शियल बैंक अगेन यहां पर क्वेश्चन कैसे आएंगे क्वेश्चन आएंगे भाई विच टाइप ऑफ बैंक सारे बैंक्स को मेंटेन करना पड़ता है सी आर आर या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैंक को करना पड़ता है ठीक है ना डिसाइड्स द रेट ये आपके होमवर्क है ठीक है ना हर चीज यहां स्पून फीड नहीं करूंगी आई रियली वॉन्ट यू टू गूगल सर्टन थिंग्स ठीक है ना डिसाइड्स दिस रेट एंड वॉट इज द बैंड क्या कुछ भी रेट डिसाइड कर सकती है आरबीआई या कोई बैंड जिसके बीच में ही सीआरआर होना चाहिए Similarly, like cash reserve ratio, we have statutory liquidity ratio. Similarly, like CRR, statutory liquidity ratio. होता है. इन दोनों में फर्क क्या होता है? Cash reserve ratio में central bank ने commercial bank को बोला था कि deposit का कुछ part आप मेरे पास cash में deposit करा के जाओगे. लेकिन statutory liquidity ratio में central bank, RBI, commercial bank को बोलता है कि आप एक reserve create करोगे, but जरूरी नहीं है वो cash में ही हो. वो या तो उसको कैश में मेंटेन कर लो या गोल्ड के फॉर्म में मेंटेन कर लो या कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में मेंटेन कर लो ठीक है आई होप यूर गेटिंग माई पॉइंट चीजें क्लियर हो रही होंगी सी आर आर में क्या था कैश में ही डिपॉजिट कराना है बट एस एल आर लिक्विडिटी रेशियो में जरूरी नहीं है कि वो कैश फॉर्म में हो इट कुड बी कैश इट कुड बी गोल्ड इट कुड बी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑल्सो ठीक है ना अगेन अगेन हमें क्या चीज़ ध्यान देनी है हमें ध्यान देना है कि कौन से एक्ट के अंडर तो कौन सा एक्ट इट इज़ नॉट आरबीआई एक्ट आई एम सॉरी इट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और इन्हीं बातों पे ध्यान देना है कि सी हमें कौन से एक्ट के अंडर मेंटेन करना होता है और जो स्टैटरी लिक्विडिटी रेशियो है हमें कौन से के आ, कौन से एक्ट के अंडर मेंटेन करना होता है सो इट इज दी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 फोर्टी अंडर विच वी हैव टू मेंटेन दी लिक्विडिटी रेशियो चलो अब डिफरेंसेस क्या है कैश रिजर्व एंड स्टार्ट लिक्विडिटी रेशियो के बीच में दो रेशियोज़ हैं जो आर बोलता है कमर्शियल बैंक को मेनटेन करने को बट देर आर सर्टन डिफरेंसेज डिफरेंसेज लाइक डिफरेंस आपको खुद को ही पता है कि मैंने आपको बोला था कैश रिजर्व रेशियो सिर्फ कैश मेंटेन होगा एस एल आर कुड बी सिक्योरिटीज़ कैश एंड गोल्ड इसके इसमें सी आर आर में ऑप्शन होता है बैंक्स के पास कि वो जो कैश है ना वो अपने पास अपने अकाउंट मतलब अपने वॉल्ट में सिक्योरिटी में रख सकते हैं और यहाँ पे आर के पास जाके भी वो मनी डिपॉजिट करा सकते हैं बट एस जो होता है वो बैंक्स को अपने पास ही मेंटेन कौन से बैंक्स को कमर्शियल बैंक्स को बैंक्स अर्न नो रिटर्न जो वो रिजर्व क्रिएट करने को बोला है ना आर ने उसके ऊपर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है ठीक है ना बट एस एल में इसको मैं स्टार मार्क कर देती हूँ ताकि आपका ध्यान इस पर जाए तो यहाँ पे रिटर्न ज़रूरी होता है हेल्प्स इन कंट्रोलिंग लिक्विडिटी बाय ट्रैपिंग कैश विद आर बी आर क्या कर रही थी आर को जैसे ही लग रहा है कि लिक्विडिटी घटानी है तो वो क्या कर रही थी यहाँ पे वो जो है रेट को इंक्रीज कर दे रही थी ताकि जो ज़्यादा पैसा है वो उसके पास पड़ा रहे रिजर्व में और कम पैसा लोगों के पास हो एज़ लोन ठीक है सो दैट इज़ वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सी आर आर एंड एस एल आर हर चीज़ किताब में मैंशनड है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आप कहो तो मैं आपको दिखा भी दूं कि कहाँ पे मैंशनड है सो इफ़ यू सी द टेबल इज़ ऑन पेज नंबर फिफ्टी एट पेज नंबर फिफ्टी एट पर मैंशनड है यहाँ पे आई होप यू कुड सी आई होप यू कुड सी एज़ टू वेयर इज़ इट मैंशन तो आप इनको आराम से पढ़ सकते हो इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्विस रिलेटेड कुछ डेटा भी दिया गया है जिसको आपको खुद को पढ़ना रहेगा किताब में से अब हम चलते हैं हमारे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की एमएसएफ क्या होता है स्टूडेंट्स अब देखिए क्या हो रहा था कि अगर कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए लोन चाहिए तो वो रेपो रेट पे ले रहा था लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए चाहिए तो वो बैंक रेट पे ले रहा था ठीक है ना बट कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि कमर्शियल बैंक को ओवरनाइट पर्पज़ के लिए लोन चाहिए होता है और उसको रेपो रेट पे लोन नहीं मिल रहा होता क्योंकि वहाँ की जो विंडो है भाई सेंट्रल बैंक की भी तो एक लिमिट है ना कि भाई रेपो रेट में हम इतना ही लोन देंगे अगर वहाँ पे वो लिमिट खत्म हो गई है तो कमर्शियल बैंक क्या करे कमर्शियल बैंक को तो लोन चाहिए किसी पर्पज़ के लिए अब वो किस तरीके से और कौन सी फैसिलिटी के अंडर लोन लेके आए सो दैट इज बेयर दैट इज़ बेयर आर बी आई हैज़ प्रोवाइडेड अनदर फैसिलिटी बाई द नेम ऑफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कि भाई अगर कमर्शियल बैंक को ओवरनाइट फैसिलिटी ओवरनाइट पर्पज़ के लिए लोन चाहिए वेयर ऑल दी अदर एवेन्यूज भाई और अदर तरीके से दूसरे तरीके और दूसरे एवेन्यूज या सोर्सेज से नहीं मिल रहे पैसे देन दी कमर्शियल बैंक केन गो टू आर बी आई एंड टेक लोन अंडर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी तो मैम कहोगे फिर आप डायरेक्ट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पे ले लेते ना रेपो रेट पर लेने की जरूरत ही क्यों थी स्टूडेंट्स मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है इट इज मोर देन दैपो रेट इट इज़ मोर देन दी रेपो रेट आपने अक्सर सुना होगा अगर आप बहुत सारे वीडियोज़ अगर कोई और वीडियो भी देखा होगा आपने देखा होगा वहाँ पे लोग बोल रहे होते हैं कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है दैट इज रेपो रेट प्लस पॉइंट टू फाइव परसेंट मतलब अगर मार्केट में रेपो रेट चल रहा है चार परसेंट तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का रेट निकालने के लिए इसमें पॉइंट टू फाइव परसेंट ऐड करना होगा बट अब ऐसा नहीं है आर बी आई हैज चेंज दिस थिंग नाउ इट इज़ नॉट एप्सोल्यूट कि भाई मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और रेपो रेट के बीच का डिफरेंस विल बी पॉइंट टू फाइव बट सर्टनली वन थिंग इज श्योर कि जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंडर रेट होता है इट इज मोर देन दी रेपो रेट तो अगर अगर कमर्शियल बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी वो लेने को तैयार है देन दे केन अप्रोच दिस फैसिलिटी एंड अपनी लिक्विडिटी को मैनेज कर सकते हैं एंड लास्ट टूल वी विच वी हैव टू कवर टूडेज ओपन मार्केट ऑपरेशन अब ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें क्या करती है सेल और परचेज करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का ठीक है चलो इसकी डेफिनेशन पर बाद में आएंगे पहले इसकी वर्किंग देखते हैं ठीक है मान लीजिए मान लीजिए इकोनॉमी में दो ही एंटिटीज़ हैं एक आप है ठीक है ना और आपका एक ग्रॉसरी स्टोर है आपका एक ग्रॉसरी स्टोर है जहाँ पे आप मान लीजिए पेप्सी बेचते हैं ठीक है ना पूरी कंट्री में दो ही लोग एग्जिस्ट करते हैं एक है ग्रॉसरी स्टोर जो आपका है जहाँ पे आप पेप्सी बेच रहे हैं और दूसरी जगह है राहुल ठीक है ना दूसरी जगह है राहुल राहुल के पास जेब में बीस रुपये है ठीक है ना राहुल के पास जेब में बीस रुपये है नाव यू वॉन्ट कि ये जो मनी घूम रहा है इकोनमी में बीस रुपये घूम रहे हैं वो मेरे पास आ जाए मेरे पास आ जाए ठीक है ना वो कैसे आएंगे उसके लिए आपको ये पेप्सी बेचनी होगी राहुल को ठीक है ना क्या हमारा एम है आप चाहते हैं कि जो बीस रुपये इकोनमी में घूम रहे हैं राहुल के हाथ में क्योंकि पूरे देश में सिर्फ एक ही बंदा है राहुल उसकी जेब में बीस रुपये तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि मनी सप्लाई इन दी कंट्री इज इक्वल टू ट्वेंटी रुपीज़ आप चाहते हैं ये बीस रुपये मेरे पास आ जाए तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा आपको और उसके लिए आप क्या कर रहे हो ये पेप्सी की जो बॉटल थी आप राहुल के पास गए कि आप उसको पूछोगे ये खरीदेगा क्या राहुल ने बोला हाँ तो आपने बोला ये ले पेप्सी पकड़ और ये बीस रुपये मुझे दे दे ठीक है ये पेप्सी गई इधर और ये बीस रुपए आए इधर तो हुआ क्या एंड रिजल्ट क्या हुआ जो मनी था इन द इकॉनमी स्टोर तो अब ये एक्चुअल लाइफ में क्या होता है ये ग्रोसरी स्टोर इज इज आरबीआई बेचता है RBI बेचता है सिक्योरिटीज कौन सी सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसको बेचता है टू दी पीपल टू दी दीट्यूशन इन द इकॉनमी टू दी पीपल लाइक यू एंड मी इन द इकॉनमी क्यों क्योंकि जब आर को लगता है जो मनी इकोनॉमी में फ्लोट कर रहा है वो मेरे पास आ जाना चाहिए तो आर घर से लेके निकलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी और जाके लोगों को बेच आते हैं और जितना पैसा होता है वो आर के पास चला जाता है ठीक है अब आर को लग रहा है कि इकॉनमी में हमें पैसा डालने की ज़रूरत है आर को लग रहा है कि इकॉनमी में पैसा डालने की ज़रूरत है इनके पास क्या है इनके पास पड़ा है पैसा ये इनको लगता है कि हमें मार्केट में डालना चाहिए ठीक है ना और मार्केट में क्या है मार्केट में मार्केट में लोगों के पास पड़ा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो आर क्या करेगा बोलेगा कि भाई मैं चाहता हूँ ये अब पैसा डालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा तो आर ऐसे तो पैसे डाल नहीं सकता कि जाके फैला फे, दे रो, रोड्स पे ठीक है ना या वर्षा करवा दे बरसात करा दे सो वॉट आर बी आई विल डू इज़ आर बी आई विल टेक दिस मनी इन दी मार्केट आर बी आई विल टेक दिस मनी इन द मार्केट एंड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो यहाँ से क्या होगा ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज चली जाएंगी आर बी आई के पास और मनी चला जाएगा मार्केट में मनी चला जाएगा इकॉनमी में मनी चला जाएगा इकॉनमी में उससे क्या बढ़ जाएगी उससे बढ़ जाएगी लिक्विडिटी आए दोनों केस समझ कि जब आर बी आई को निकालनी थी इकॉनॉमी से मनी तो वो गए सामान लेके और बेच दिया इकॉनॉमी में पैसा चला गया आर बी आई के पास ठीक है ना जब आर को लिक्विडिटी बढ़ानी थी तो पैसा था आर के पास ऑलरेडी वो पैसा लेके गए मार्केट से में और सामान ले आए पैसा रह गया लोगों के पास और अपने पास क्या ले आए वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दैट इज़ हाउ आर बी आई यूज दीज टूल्स टू रेगुलेट टू रेगुलेट दी मनी सप्लाई इन दी कंट्री एंड दैट इज़ वेयर वी कम टू द एंड ऑफ आर सेशन जहाँ हमने पढ़ा क्या पढ़ा आज हमने हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी बहुत सारे नए नए टर्म्स सीखे कंफ्यूज नहीं होना है एक बार थोड़ी सी भी कंफ्यूजन आया तो लेक्चर को फिर से देख लेना डेफिनेटली आप बुक तो पढ़ोगे आपका कोई रेफरेंस मटीरियल होगा उसको पढ़ोगे तो आज हमने पढ़े क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हमने कवर किया लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बैंक रेट रिजर्व रेशियोज़ पढ़े जिसमें ये दोनों आते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और लास्ट में बहुत ही फ़न चीज़ पड़ी दैट वाज ओपन मार्केट ऑपरेशन किस तरीके से आरबीआई बाज़ार में चीज़ें खरीद बेच के मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है वो चीज़ें क्या हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ठीक है ना कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एलिजिबल होती हैं अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन ये आपका होमवर्क है बीच बीच में बहुत जगह मैंने आपको चीज़ें बोली कि आपको ये सेशन ओवर होने के बाद गूगल करनी है चीज़ें और नोट डाउन करनी है अपने नोट्स में अपनी बुक्स में सो विद दिस वी आर कमिंग टू दी एंड ऑफ द सेशन आई रिव ड्यू अबाउट की आपको बुक परचेज करनी है तो आप कहाँ से करेंगे आपको पीडीएफ चाहिए सेशन का तो दैट इज इकोनॉमिक्स विद नान की कोई डाउट है कोई क्वेरी है विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी लाइव कोर्स में कैसे एनरोल कराना है दान की अंडर स्कोर बी ट्वेंटी तब तक स्टे यून फॉर मोर सच वीडियोस नेक्स्ट क्लास में हम क्वालिटेटिव टूल्स पढ़ने वाले हैं सो ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड स्टे यून एंड अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई affordable.